खबर अयोध्या से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय सचिव घनश्याम वर्मा से हमारे संवाददाता सुबोध श्रीवास्तव ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि 44 दिनों से लगातार हमारा अनशन जारी है, न्याय न मिलने पर आईजी को एक ज्ञापन पोस्ट हुआ है, पोस्ट द्वारा भेजा गया है। यदि समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो 25 जुलाई को महापंचायत द्वारा एक विशाल धरना किया जाएगा। आइए देखते हैं अयोध्या से खास रिपोर्ट संवाददाता सुबोध श्रीवास्तव के साथ। सदन तहसील दुनिया भर में हूँ और इस आपकी रंजन के यहाँ पर तमाम लोग आप देख सकते हैं कैमरे में कि यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और ये धरना आपको बता दूँ 44 दिन लगातार चल रहा है, अनिश्चितकाल का चल रहा है। और ऐसे में इन लोगों ने धरना के बीच में अभी यहाँ पर इन्होंने गिरफ्तारियाँ भी दी थी और अभी तक इनकी मांगे क्या हैं और क्या नहीं पूरी हुई, ऐसे में घनश्याम जी सबसे पहले हमारे चैनल आपका स्वागत है। तो किस तरह की जो मांगे हैं क्या है? हमारी 27 सूत्रीय मांगे जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को, मुख्यमंत्री जी को और यहाँ के जिलाधिकारी को, यहाँ के आयुक्त को, यहाँ के आईजी को, सबको हमने कापियाँ रिसीव कराई हैं, जिसमें एक था अड़कुना बाजार में NH-27 पर जो एक पुराना कट था, सड़क बनते समय उसको खोलने की बात थी, छुट्टा जानवरों को पकड़ने की बात थी और तमाम हमारे कार्यकर्ताओं की तमाम छोटी मोटी समस्याएँ हैं, जिसमें नाली चकमार्ग है, बिजली है, सरकार कहती है कि बिजली फ्री है लेकिन बिल वसूली पे पूरी सख्ती की जा रही है। 27 मांगों की आप बात करते हैं तो ऐसे में मुख्य मुद्दा क्या है आपका, जो एक जमीन मुद्दा है? मुख्य मुद्दा जो भी है हमारा सार्वजनिक रूप से वो तो है ही है, तमाम ऐसी छोटी छोटी हमारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ लोकल स्तर पर, क्योंकि बड़े मुद्दे तो सरकार से हैं हम उसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन जो यहाँ राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार तहसीलदार के माध्यम से हैं, जो SO/SHO के माध्यम तक हैं, उसका भी समाधान न हो ये बहुत ही निंदनीय है। और अभी हम लोगों ने एक निर्णय ये लिया था कि हम इस पार्ट पे जाके समस्या समाधान करेंगे, तो 3 जुलाई को हमने सोहावल तहसील में पंचायत किया था और उसी क्रम में पुलिस से संबंधित जो हमारी समस्याएं हैं उसके लिए 5 जुलाई को हमने CO City के कार्यालय पर जाने की घोषणा किया था। उसके लिए हम 5 जुलाई को इसी धरना स्थल पर पंचायत कर रहे थे और पंचायत का फैसला ये हुआ अंतिम समय में कि अगर CO City हमारे बीच में आकर के हमारी समस्याओं को सुनते हैं और समाधान करते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं तो हम उनके कार्यालय पर जाने का काम करेंगे, लेकिन निर्धारित समय 1:50 तक कोई भी पुलिस का अधिकारी हमारे बीच में नहीं आया और तब मजबूर होकर पंचायत की घोषणा हुई कि हम लोग क्षेत्राधिकारी नगर के कार्यालय पर चलेंगे, वहाँ उनसे बातचीत करेंगे। तो तिकोनिया पार्क की बाउंड्री वाल हम सबको नहीं निकलने दिया गया, पुलिस ने हम लोगों के साथ हाथापाई किया, जबरदस्ती किया, हम सबको लातों मुखों से मारा पीटा, भद्दी भद्दी गालियां दिया, हमारे महिला जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ पुरुष पुलिसकर्मियों ने अभद्रता किया, अश्लीलता किया। जिस तरह से आपके साथ इतना दुर्व्यवहार जो हुआ है तो क्या नहीं कहते आपकी मांगे जो है और जायज़ मांगे हैं और ऐसे में कौन सा आपको जो है धरना करना पड़ेगा? ऐसा है कि हमारी समस्याएं 100% जायज़ हैं, मैं खुली रूप से प्रशासनिक अधिकारियों को चुनौती देना चाहता हूं कि वो अगर उनको ऐसा लगता है कि हमारी समस्याएं नाजायज़ हैं तो वो सिद्ध करें, हम सारे लोग वापस जाने को तैयार हैं, अगर हमारी समस्याएं जायज़ हैं तो उनको समाधान करना पड़ेगा। और जो 5 तारीख को जो पुलिस ने बर्बरता किया है उसके लिए अभी हम लोग उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को, अयोध्या जोन के IG को, अयोध्या मंडल के आयुक्त को और यहाँ के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र सौंप करके हम लोगों ने ये मांग किया है कि इस पूरे मामले की जो है उच्च स्तरीय जांच करा दिया जाए, जो भी दोषी लोग हैं, अगर हम लोग दोषी हैं तो हम सजा भोगने को तैयार हैं और नहीं तो जो पुलिसकर्मी इसमें दोषी हैं उनको दंडित किया जाए। अच्छा, ये जिससे आपने बताया इतना आपने एप्लीकेशन दे दिया है और ऐसे में जो आपको संक्रमण मिला होगा तो क्या लगता है कि आपका धरना समाप्त होगा या नहीं होगा? ऐसा है कि धरना चूँकि इसका जो शुरुआत हुआ है वो समाधान के लिए हुआ है और अधिकारी लोग चूँकि इनकी आदत है कि केवल एक झूठा आश्वासन दे के चले जाना और झूठा आश्वासन दे के धरना समाप्त कर देने की इनकी हमेशा ये एक चाल होती है, इनकी एक झूठी चाल होती है जो करते चले आए हैं, जिसके लिए हमने अच्छा कहा, अच्छा जैसे ये आप धरने की बात है 44 दिन हो गया तो ऐसे में नहीं लगता कि आपको जो महापंचायत तो करनी पड़ी, आपको क्या लगता है? अब देखिए हालात जो हैं, मैंने बीच में महापंचायत भी किया था लेकिन अब हमको एक बहुत बड़ी महापंचायत यहाँ करने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है, उसके लिए हमने 25 जुलाई का जो समय है वो तय किया है, 25 जुलाई को इस धरने का 2 माह पूरा हो जाएगा और 2 माह पूरा होने पर यहाँ महापंचायत का भी ऐलान किया गया है, वो महापंचायतें होंगी। अभी आपने देखा जिस तरह से राष्ट्रीय सचिव और घनश्याम वर्मा से बात हुई, उन्होंने बताया कि जो है 60
दिन यानी दो महीने कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी 25 तारीख को जो है ये महा आंदोलन यानी महापंचायत करके अपनी बात को जो है साबित करने का कार्यक्रम। मैं श्रीवास्तव और टीवी पर चैनल।